तो अगर अगर कोई से डिमोटिवेट होना तो मैसेज, ठीक है, मैसेज करूंगा वो, ठीक है आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो, आई होप सब बढ़िया हो। तो जी आज हम जल्दी से, मतलब अब टाइम टेबल बिल्कुल बिल्कुल पूरा ही चेंज हो गया है आजकल। मतलब ऐसा हो रहा है सुबह को जल्दी एकदम 5:30 बजे तक उठ के, 6 बजे तक उठ के जो है रनिंग, मतलब 5:30 तो नहीं, लगभग 6 बजे उठ के रनिंग जाना, फिर बाद में जो भी बचता है अपना काम धाम वो बाद में करना। क्योंकि ना आजकल ऐसा हो रहा है ना कि एक तो दिन छोटे हो रहे हैं, है ना, रातें थोड़ी लंबी हो रही हैं, तो सुबह को इतनी जल्दी उठ के जाया नहीं जाता। तब हमारे साइड में ये अफवाह है, पता नहीं सच है, ये फैला हुआ है कि हमारे जंगल में तेंदुआ वगैरह है, कोई ऐसा कुछ है, तो जल्दी से घर वाले जाने भी नहीं देते। तो अभी टाइम है थोड़ा सा खाना वाना खाने का, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं बैठ के, ठीक है जी। तो मैं दिखाता हूँ, चलो आज क्या बन रहा है हमारे घर में, आओ। रोटी, इधर साग, इधर दही, और यहाँ चूल्हे की रोटी बन रही है भाई। तो गए 12:30 बज गए अभी, और मैं सुबह खाना खाने के बाद, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया था। अभी थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह जो होती है मेरी रोज की, उसे उसको कंप्लीट करके और रिवाइज करके अभी जस्ट फिनिश करके बैठा हूँ। मतलब अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया है, और अभी थोड़ा सा टाइम है कि मैं पॉलिटी रिवाइज करूँ। तो आज मैं पॉलिटी रिवाइज करूँगा कम से कम, बिना तो 2 चैप्टर आज मुझे करने हैं, तो मैं पॉलिटी रिवाइज करूँगा आज, ठीक है जी। तो आज मैं, बहुत दिन बाद ये ब्लॉग आ रहा है यार, कम से कम 1 हफ्ता हो गया कोई ब्लॉग नहीं डाला था, बट यस आज मैं फाइनली मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और एक बात विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ब्लॉग बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ऐसी ज़रूरत महसूस होने लगी है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो शायद वो कल तक आ जाएंगी। तो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा क्या क्या मैंने मंगवाया है, और मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम भी होने लगा है, सो मैं बताता हूँ आपसे बाद में क्या सीन है, कैसा है। फिलहाल के लिए अभी पहले पॉलिटी कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट क्या रिवाइज करना है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो हेलो गाइस, डन विद द पॉलिटी, और अभी 1:30 बज गए हैं और मैं पॉलिटी मैंने रिवाइज कर लिए 1 घंटा, ठीक है जी। तो अभी कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है, क्योंकि बताता हूँ क्या काम है मैं अभी, मतलब मुझे प्लॉट साइड जाना है जहाँ से घर के लिए सामान उठा रहे थे ना हम लोग, तो उस शॉप पे जाना है मुझे। तो अभी बताता हूँ मैं क्या सीन रहता है, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे आकर के। ऐसे मेरा 1 घंटा हो गया मेरा पॉलिटी, और उसके बाद मुझे जो करना है मैं आकर के तुरंत जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी काम आ गया तो जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो इस काम करके आ गए वापस, 3 बज गए अभी, वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब करीब मैं यहाँ से निकला था 1:30 बजे और बज गए 3, टाइम हो गया हमें काफ़ी। तो अभी हमें यार लाइट भाग गई है और यहाँ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, मतलब अंधेरा सा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं भी रुक जाता हूँ जब तक लाइट आती है, कुछ खा लेता हूँ, अभी खाया भी नहीं है, सुबह ही खाया था, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, फिर पढ़ाई करते हैं। बाहर आए तो पूरा उजाला उजाला हो रहा है, बट रूम में जाकर भी पूरा अंधेरा, मतलब अंदर तो ऐसे पढ़ा भी नहीं जाएगा भाई, नॉर्मली ऐसे लाइट जला के पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके वो नहीं होगा। अब यहाँ बैठ के पढ़ूँ बाहर तो यार यहाँ ठंड लग रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा। अभी बस धूप भी है, कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर छत पे जाऊँ, छत पे देख लेता हूँ, बट पहले कुछ खा लेता हूँ यार, भूख लग रही है। तो गाइस लाइट भी आ गई है और मैं दही खा रहा था, मैंने सोचा चलो क्या ही दिखाऊँ, बट अब लाइट आ गई जब दिखा देता हूँ, थोड़ी सी बची है वैसे, लाइट आ गई है तो अपन दही खा के फटाफट पढ़ने बैठते हैं फिर। सो गाइस लेट्स रिवाइज सम फिजिक्स, ठीक है। तो गाइस फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, बहुत देर बाद रेस्ट तो बहुत देर का हो गया, मतलब रेस्ट भी समझ लो या कुछ भी समझ लो, मतलब मिक्स हो रहा है मामला सारा, कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो करेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। मतलब मुझे फिजिक्स रिवाइज करनी है जो मैंने पिछले 3-4 दिन से नहीं की है ना, तो वो रिवाइज करनी है। मैं ना भूल जाता हूँ यार, मुझे भूल नहीं आता था थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फिजिक्स उठा के बैठते हैं, उसके बाद जो एक बात है बड़ा मजा आएगा आपको सुन के जाना, ठीक है। आता हूँ। ये मैंने कर लिया है लाइट, और ये ऑप्टिक्स कर लिया है, ये 2 चैप्टर मैंने कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है जी। इसके बाद वैसे ये काफ़ी, मतलब ऑप्टिक्स वाला तो कुछ ज़्यादा ही ना, इसमें फिजिक्स में ऐसी है ना, वैसे फिजिक्स में मेरा मतलब जहाँ मैथ्स आ जाता है ना थोड़ा सा, तो वहाँ मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। यस मैथ्स और फिजिक्स मेरे पहले से ही ख़राब रहे हैं, और मैं मैथ्स में मैं बता दूँ, मैं 12th में फेल होने से 2 नंबर से ही बचा था, बहुत ही तेज़ दिमाग है मेरा मैथ्स में, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नंबर में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ यार मैथ्स, ठीक है। तो यस गाइस इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जब
टाइम टेबल बनाते ना, मैं भी काफ़ी ऐसे टाइम टेबल करता था अभी कुछ दिन पहले तक। बट यस, टाइम टेबल कुछ नहीं होता भाई, जब आप रहते हो कहीं अलग, है ना, जब कहीं अलग रह के पढ़ते हो आप, जैसे कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे बाहर रह के पढ़ते हैं, वहाँ पे आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। बट जब आप होते हो अपने घर में, तब आपसे कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता। ये भाई मेरा तो पर्सनल, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मतलब मैं कई बार ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में एक 14 आवर्स वाला या 12 आवर्स स्टडी वाला चैलेंज करूँ, बट नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि घर में खाली स्टडी नहीं, और भी काम होते हैं। इधर से मम्मी आवाज़ दे देती हैं कभी, फिर उधर से पापा आवाज़ दे देते हैं, तो ये होता है, मतलब ये नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने देख लिया। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सिलेक्शन होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा भगवान मालिक, समझ रहे हो। तो बी मोटिवेटेड, कुछ नहीं, कोई बी पॉजिटिव, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है यार। एक तो ये ना, हमारे यहाँ की लाइट इतनी गंदी है ना, माँ कसम इतना गुस्सा आता है कभी कभी, अभी लाइट भागी ना, अभी फिर से आ गई, मतलब इतने कट मारते हैं ना यार ये लोग बीच में, छोड़ो यार। ये है कि मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ, स्टडी व्लॉग, बट स्टडी छोड़ो, ये मिक्स व्लॉग हो जाता है। जितनी बार भी कोशिश की मैंने कि मैं स्टडी व्लॉग बनाऊँ, नहीं। मेरी टेबल का हाल देख रहे हो तुम, ये ऐसे हुआ पड़ा, इधर उधर बिखरा पड़ा, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये हटाना, वरना मम्मी आएगी मेरे को मारेगी। सारा काम हो चुका है, मतलब सारा रिवीजन जो करना था और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह करने थे वो हो गया है, और अभी सिर्फ वेट है नोटिफिकेशन का। सॉरी, मतलब ठीक है जब भी आएगा, बट पढ़ने से मतलब है, और भी एग्जाम्स हैं ना यार अभी, और भी एग्जाम्स हैं। अगर हाँ, एक चीज़ बताओ, कोई एफकेट दे रहा है तो बताओ, कमेंट करके बताओ, कौन कौन दे रहा है एफकेट, बताओ। आज का ब्लॉग अभी तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं किसी अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बस प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और बस जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। दुख बांटने से दूर होते हैं, तो हम जो बेरोजगार होते हैं ना, वो अपना दुख ज़्यादातर दोस्तों से ही बांटते हैं कई बार, है ना। तो मी एज ए फ्रेंड ऑफ यूर्स, सो कोई बात, हम दोस्ती तो हैं, ठीक है, तो आप मेरे साथ दुख बांट सकते हो, मैं भी आपके साथ बांट लूँगा थोड़ा बहुत इसी बहाने। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग।